मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर हुई विधायक दल की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। तय किया गया कि उपचुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार के खिलाफ राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब धीरे धीरे एक्शन मोड में आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में जनहितैषी मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। यह बैठक कांग्रेस के दो विधायक के पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने के दो दिन बाद हुई है। बैठक को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अराजकता फैल रही है, सभी विधायक सड़कों पर उतरकर शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, उपचुनाव के बाद राजभवन में कांग्रेस ही शपथ लेगी। विधायकों ने अपनी बात जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई, अराजकता सर चढ़ के बोलने लगी, अधिकारी सरेआम रिश्वत लेने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई दूसरी दुकान इस सरकार की नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर जिस तरीके के अलग अलग तरीके से प्रशासनिक दबाव बनाने की सरकार कोशिश करती है, उसका भी विधायकों ने जिक्र किया। कुल मिलाकर कोरोना के इस महामारी में इस सरकार के फेलियर के बाद विधायकों की ये मंशा हुई कि सरकार के खिलाफ ताकत से सड़क पे आना चाहिए। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट टीम वर्क लगो, ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे नहीं पहुँचते थे, कांग्रेस विधायकों का उन पर विश्वास कभी नहीं रहा, जब तब नहीं रहा तो अब कहाँ से रहेगा। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहाँ से ले लेंगे। पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ, किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो, अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पे दोष क्यों दे रहे हो। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ ने पिछले 6 दिनों में 2 विधायकों सुमित्रा देवी कासडेकर और प्रद्युम्न सिंह लोधी के विधानसभा की सदस्यता एवं पार्टी से इस्तीफे देने के बाद भाजपा में शामिल होने को लेकर इस बैठक में चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बीजेपी द्वारा प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा काला चेहरा, जिनकी कथनी और करने में क्या अंतर है, पूरे देश के सामने आज नहीं तो कल देश को समझ में आएगा। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, एक तरफ जो नैतिकता की बात करने वाले, चरित्र की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरा असली चेहरा जनता के सामने है। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया, कमलनाथ जी को दिया, तो उसके बाद भी क्या स्थिति है। तो बिकाऊ लोगों की तो कुछ, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग जो बिकते हैं इसमें तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता जो लोग बिकने वाले हैं। आपने देखा कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभात झा या अखिलेश विजयवर्गीय जैसे जी जैसे बड़े नेता है, लेकिन जो अपना जमीर बेच के, जो अपनी मातृ संस्था के साथ धोखा करके सिंधिया जैसे आदमी को राज्यसभा में भेजते हैं। विधायक दल की बैठक में 65 विधायक पहुंचे। बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और अरुण यादव भी शामिल हुए। वहीं मीटिंग में विधायक लक्ष्मण सिंह, सचिन यादव, संजय शर्मा समेत कई अन्य विधायक नहीं पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।